स्वीटी आपके लिए खासकर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2014 में आप फाइनल में चाइनीज प्लेयर से ही आ रही थी और अभी चाइनीज को हरा है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है और उस टाइम इतना एक्सपीरियंस नहीं था और बाउट में बहुत अच्छा खेली थी, वो भी मैं बराबर बाउट में ही हारी थी मैं और चाइना में ही थी तो इस वजह से मैंने नहीं, लेकिन आज तो वन साइड मतलब आपने अच्छे से उसको बीट किया। सर भारतीय बॉक्सिंग के लिए बहुत बड़ी बात है, दो आपने खाता दो से शुरुआत ही दोनों ने खाता खोल लिया, लेकिन बहुत बढ़िया है। मैं सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपके इतने बेहतरीन सहयोग की वजह से आज हमारे खिलाड़ी इस फाइनल में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन कर सके हैं। और सर और लोगों ने, ये स्वीटी के हस्बैंड हैं और बहुत कम लोग जानते हैं कि स्वीटी एक 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 बार आप देखिए और कितना बड़ा संघर्ष रहा इनके पति का भी, लगातार आके देखते रहे, आपके लिए कितना बड़ा सेटिस्फाइंग मोमेंट है, बहुत संघर्ष रहा है आप लोगों के। देखो मैं इतने साल खेला हूँ लेकिन जो आज खुशी हो रही ना, वर्ल्ड चैंपियन भी बना, लेकिन स्वीटी की जो वर्ल्ड चैंपियन बनी है मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट है और ये पूरी जिंदगी रहेगा मेरे लिए। और इसके बहुत सालों की मेहनत है, पहले सिल्वर आया था, अभी हाल ही में दिसंबर में एशिया चैंपियन भी बनी है और अभी वर्ल्ड चैंपियन बनी है, तो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क चल रहा था इसका। आपको डोपिंग के लिए जाना है लेकिन एक सवाल पूछेंगे, यहाँ से आगे का रास्ता जाहिर तौर पे सब लोग पेरिस और एशियन गेम्स कहते हैं, लेकिन आपको जो संघर्ष रहा है चूल्हे में आपको खाना बनाते हुए देखा और यहाँ से कैसे जर्नी देखती हैं आगे का? यहाँ से मतलब कोई भी इंसान एक स्टेप बाय स्टेप जाता है, यहाँ तक आई हूँ तो होप्सो कि अभी ओलंपिक में मैं जाऊँ और वहाँ से मैं गोल्ड मेडल लेकर आऊँ, यही उम्मीद है मेरी। और $1,00,000 मिला है, 82 लाख रुपये, बहुत बड़ा अमाउंट है, क्या करेंगे? जी अमाउंट बहुत बड़ा है और मैंने सोचा नहीं, क्योंकि मैं मेरे लिए सबसे पहले था कि वर्ल्ड चैंपियन बनना, कि सबसे पहले मैं चाहती थी कि मैं अपने देश का झंडा सबसे ऊपर लेकर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए पैसा, मेरे पास कोई स्पॉन्सर नहीं थे, कुछ भी नहीं था, मैंने मतलब मेरी इतनी ज़्यादा वो नहीं थी, मैं खुद के दम से ही सब चीज़ें कर रही हूँ, मैंने किया है अब तक, तो वो चीज़ें ना मतलब मेरे लिए पैसा इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि अब तक जैसे चल रहा है तो आगे भी चलेगा और भगवान ने यहाँ तक दिया है मुझे तो आगे भी वो देगा, पैसे से नहीं है, लेकिन जो मुझे मान सम्मान मिला है ना, जो मैं अपनी कंट्री के लिए कर रही हूँ, वो फीलिंग ना मेरे लिए सबसे दी बेस्ट फीलिंग है, दी बेस्ट फीलिंग है। और एक ओलंपिक का सपना जरूर रहा होगा? जी बिल्कुल, वो है मेरा सबसे हाईएस्ट फर्स्ट नंबर का ड्रीम, जो मेरे सेकंड नंबर पर ये था, तो ये मेरा पूरा हो चुका है, होप सो कि विश यू ऑल द बेस्ट। थोड़ा वक्त कम है आपको डोपिंग के लिए जाना है जी, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस और ऐसे ही आप प्राइज कर, थैंक यू सो मच।